रीना रॉय 70 और 80 के दशक की मशहूर हीरोइन थी। नागिन, आशा, गुमराह, अपन और जानी दुश्मन जैसी फिल्मों के लिए आज भी उन्हें याद किया जाता है। रीना मुस्लिम पिता और हिंदू माँ की औलाद थी, लेकिन एक वक्त ऐसा भी आया जब रीना के पिता उनकी माँ और चार बच्चों को छोड़कर चले गए। ऐसे में अपनी माँ और भाई बहनों को पालने के लिए रीना होटलों में कैबरे किया करती थी। लेकिन तभी रीना की किस्मत ने यू टर्न लिया और उन्हें बॉलीवुड फिल्मों में काम मिलने लगा। रीना ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत बी आर इशारा की फिल्म नई दुनिया नए लोग से की। हालांकि अपने करियर के शुरुआती दिनों में रीना को बुरे दिन भी देखने पड़े। शत्रुघ्न सिन्हा के साथ रीना ने पहली बार 1973 में आई फिल्म मिलाप में साथ काम किया था, लेकिन इस जोड़ी को पहचान मिली सुभाष घई की फिल्म कालीचरण से, और इसी फिल्म से रीना राय और शत्रुघ्न सिन्हा की लव स्टोरी भी शुरू हुई थी। शत्रुघ्न सिन्हा और रीना रॉय का साथ 15 फिल्मों में रहा। इन दोनों के फिल्मी करियर में एक ऐसा भी दौर आया जब रीना रॉय अपने करियर की बुलंदी पर थी और उस दौरान वो शत्रुघ्न के साथ ज्यादा से ज्यादा फिल्मों में काम करने लगी थी। शत्रुघ्न रील पर ही नहीं, रियल लाइफ में भी रीना के हीरो बनते जा रहे थे। रीना उन्हीं फिल्मों को ज्यादा तवज्जो देती थी जिसमें उनके हीरो शत्रुघ्न हो। एक मैगजीन में छपे आर्टिकल के मुताबिक रीना उस दौर में शत्रुघ्न के साथ काम करने के लिए कई बड़ी फिल्मों को छोड़ दिया करती थी। रीना के लिए उनकी दुनिया बनते जा रहे थे शत्रुघ्न, लेकिन रीना के सपनों की दुनिया जल्द ही टूटने वाली थी। रीना और शत्रुघ्न की लव स्टोरी में एक एंगल सोनाक्षी सिन्हा की मम्मी पूनम चंदी रहाणी का भी था। उस दौरान छपने वाली मैगजीन्स में इन पर लिखे गए आर्टिकल्स के मुताबिक एक तरफ शत्रुघ्न एक तरफ रीना के साथ अपना रिश्ता मजबूत कर रहे थे, तो दूसरी ओर पूनम के लिए उनके मन में बहुत प्यार था। बिहारी बाबू शत्रुघ्न पर उस दौरान दो हसीनाएं फिदा थी। पूनम और रीना पर छपने वाले आर्टिकल्स के मुताबिक एक तरफ फिल्मी पर्दे पर रीना रॉय का साथ शत्रुघ्न सिन्हा को हिट पर हिट फिल्में दिला रहा था, तो पर्सनल लाइफ में पूनम का साथ उन्हें बहुत पसंद था। शत्रुघ्न अपनी जिंदगी से ना तो रीना को जाने देना चाहते थे और ना ही पूनम को। शत्रुघ्न उस दौरान पूनम के साथ लिविन में रह रहे थे। पूनम से 1979 में ही शत्रुघ्न की शादी होने वाली थी, लेकिन रीना के कारण एक साल तक उन्होंने इस शादी को टाला। वेबसाइट्स और मैगजीन्स में छपने वाली रिपोर्ट्स के मुताबिक उस दौरान रीना रॉय ने उन्हें ये धमकी दी थी कि अगर उन्होंने उन्हें छोड़कर किसी और से शादी तो वो सुसाइड कर लेंगी। रुग्न सिन्हा के प्यार में रीना रॉय बहुत इनसिक क्यूट होने लगी थी। उनका करियर ढलान पर आने लगा था और 1982 तक तो उनकी पहचान शत्रुघ्न सिन्हा की गर्लफ्रेंड के तौर पर बनने लगी थी। फिल्मों में लीड रोल करने वाली रीना को अब साइड हीरोइन के रोल मिलने लगे थे, लेकिन रीना को उनके ढलते फिल्मी करियर का उतना गम नहीं था जितना वो अपनी शत्रुघ्न और पूनम के लव ट्रायंगल को लेकर परेशान रहती थी। शत्रु, पूनम और रीना रॉय की ये लव ट्रायंगल उन दिनों मीडिया के लिए बेहद मसालेदार खबर बन गई थी। शत्रुघ्न की खातिर पूनम ने अपना घर बार छोड़ दिया था। तो इधर रीना के साथ वो सफलता की सीढ़ी चढ़ते जा रहे थे। साल 1980 में रीना रॉय लंदन गई हुई थी और उसी दौरान उन्हें एक चौंकाने वाली खबर मिली। शत्रुघ्न सिन्हा ने पूनम से शादी करके रीना को ही नहीं पूरे बॉलीवुड को चौंका दिया। शत्रुघ्न के अचानक शादी करने से रीना को बहुत दुख पहुंचा था, लेकिन रीना अब भी शत्रुघ्न की दूसरी वाइफ बनने को तैयार थी। लेकिन शत्रुघ्न पूनम को दुख नहीं पहुंचाना चाहते थे। अब रीना समझ गई कि शत्रुघ्न उनसे शादी नहीं करेंगे और फिर उनका रिश्ता पाकिस्तानी क्रिकेटर मोहसिन खान से जुड़ने लगा। रीना रॉय ने फिल्में छोड़ मोहसिन से शादी कर पाकिस्तान में बसने का इरादा कर लिया, तो वहीं मोहसिन खान ने भी रीना रॉय के प्रेम में अपना क्रिकेट करियर छोड़ दिया था। रीना रॉय ने 2 अगस्त 1983 में मोहसिन ने निकाह किया और बॉलीवुड को अलविदा कह पाकिस्तान जा बसी। मगर बॉलीवुड की चमक रीना के साथ मोहसिन को भी भारत खींच लाई। मोहसिन ने गुनहगार कौन, प्रतिकार, फतेह जैसी कुछ फिल्मों में काम भी किया, लेकिन न तो फिल्में ही चली और न ही शादी। बेटी के जन्म के बाद दोनों ने अलग होने का फैसला कर लिया। रीना और मोहसिन का तलाक सालों पहले हो चुका है और अब वो अपनी बेटी के साथ मुंबई में रहती है। खूबसूरत रीना अब पूरी तरह से बदल चुकी है। कभी परवीन बाबी जैसी एक्ट्रेस को टक्कर देने वाली रीना बहुत बदल चुकी है। अब अगर उनके फैंस उन्हें देखेंगे तो शायद चौंक जाएंगे। दोस्तों, आपको हमारे द्वारा बताई गई जानकारी पसंद आई हो यह इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक जुड़े रहिए हमारे साथ।